हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरी चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं मीठे चावल, जो कि बनाना बहुत आसान है। हम इन्हें कुकर में बनाएंगे, बिल्कुल खिले खिले हमारे चावल बनेंगे। आप ज़रूर बनाएं, यकीन मानिए सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। बहुत अच्छे फ्लेवर आता है इसका खाने में, और ये बनाना भी आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। तो आप एक बार इन्हें ज़रूर बनाएं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी को हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गैस पे एक कुकर रख लेंगे। कुकर में ही बहुत खिले खिले बन जाएंगे, तो आप कुकर में ही बनाएं। उसके बाद 2-3 चम्मच हम यहाँ पे देसी घी डाल लेंगे। आप इसे देसी घी में बनाएं, बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप घी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो तेल में भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, काजू और बादाम ले लिए, किशमिश ले ली थोड़ी सी, और 2 हरी इलायची हमने यहाँ पर ले ली है। तेल में हम अच्छे से भून लेंगे जब तक कि काजू का कलर हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, सुनहरा। और लो फ्लेम में हम इन्हें अच्छे से देखिए फ्राई करेंगे, तो काजू का कलर हल्का हल्का ब्राउन हो गया, बस इतना ही हमें करना है। अब हम यहाँ पे चावल ले लेते हैं। तो ये बासमती चावल है, मैंने आधे घंटे के लिए इन्हें भिगोने के लिए छोड़ दिया था। आप कोई भी चावल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उन्हें आप आधे घंटे पहले पानी में ज़रूर भिगो दें। उसके बाद देखिए, घी में हम इन्हें कम से कम 2-3 मिनट अच्छे से भून लेंगे। आराम आराम से चम्मच से आप करें, ताकि ये बासमती का दाना यहाँ पर टूटे ना। तो 3-4 मिनट अच्छे से हमने घी में भून लिया है। तो 1 गिलास हमने चावल लिए हैं, तो 1.5 गिलास हम यहाँ पर पानी डालेंगे। इससे हमारे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे केसर कलर भी डाल लेते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पीले कलर के होते हैं। आप चाहे तो हल्का ऑरेंज कलर भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसा कलर आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब हम यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डाल लेंगे। ये मीठे चावल है तो आप इसमें चीनी ज़रूर डालें। अब ढक्कन लगा के हम यहाँ पर 1 सीटी आने देंगे, सिर्फ 1 सीटी आनी है, ज़्यादा आपको नहीं ओवर कुक करना इन्हें। तो 1 सीटी आ चुकी है, अब हम ढक्कन खोल के देख लेते हैं। देखिए कितने खिले खिले हमारे चावल बनके तैयार हुए हैं। अब इन्हें गर्मा गर्म हम सर्व कर लेते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, यकीन मानिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको पानी सही डालना है। अगर आपने 1 गिलास चावल डाले हैं तो आपको 1.5 गिलास पानी डालना है, क्योंकि चावल आधे घंटे पहले भीगे हुए हैं, तो उन्होंने पहले ही पानी सोख लिया है। और 1 ही सीटी आपको लगानी है। तो देखिए, मीठे चावल हमारे झटपट बनके तैयार हो गए। आप भी इस तरीके से ज़रूर बनाएं, खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये रही मेरी आज की रेसिपी, आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं मिलूँगी आपको अगली ही एक ऐसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।